ओके, टुडे इज़ माई फोर्थ लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th CBSE. ओके, प्रीवियस क्लास वी हैव सीन अबाउट द चार्जेस, देन इट्स प्रॉपर्टी, देन वी हैव सीन द कूलम्स लॉ, एंड इफ़ वी वांट टू विच इज़ फॉर फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अदर मीडियम, देन वी हैव सीन द परमिटिविटी, है ना, पर रिलेटिव परमिटिविटी इनफैक्ट, है ना. तो रिलेटिव परमिटिविटी इज़ वॉट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हुज वैल्यू इज़ नोन, और वी कैन डिफाइन लाइक दिस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव परमिटिविटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड मल्टीप्लाइड विद द permittivity of vacuum which is 8.854 into 10 to the power minus 12. ठीक है, तो ये दूसरे मीडियम की प्रॉपर्टी बताती है, रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को वो अलाउ करेगा, है ना. तो ये होमवर्क था, देखो, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर, टेक इट्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी 80. तो परमिटिविटी का फार्मूला ये बन चुका है, है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये 80 दिया है और ये तुम्हें याद रखना है, मल्टीप्लाई कर लो 7.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ तो इसलिए फोर्स इन द अदर मीडियम, है ना, चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा परमिटिविटी है तो उसको लेस परमिशन मिलती है फोर्स क्रॉस करने में, उल्टा इफेक्ट, है ना, मोर परमिटिविटी लेस फोर्स विल बी देयर बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था कि भाई टू चार्जेस आर देयर सेपरेटेड बाय 10 मीटर्स, है ना, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 10 मीटर्स इन द वैक्यूम, और उनको हमने लिक्विड में डाल दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 100 है, तो फोर्स ऑफ कोर्स कम हो जाएगा. तो उन्होंने बोला है कि वापस डिस्टेंस कितनी कम कर दे कि फोर्स सेम हो जाए. तो विल सी वाट एवर द कंडीशन इज गिवन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे. फोर्स सेम, लेट आर डैश इज द न्यू डिस्टेंस, रिड्यूस डिस्टेंस जो हमें निकालनी है, कब, जब फोर्सेस सेम रहे दूसरे मीडियम में भी. तो ये वैक्यूम में और ये दूसरे मीडियम में, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, तो ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इधर से, है ना. तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा ये वाला, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर इंटू आर डैश स्क्वायर, तो आर डैश ये इतना आ गया. देखो, तो एक जनरल फार्मूला बन गया किसके लिए, जब हमें फोर्स सेम रखना है तब, अदरवाइज नॉट. फिर से हमें जो कंडीशन दी है वही सॉल्व करेंगे, तो ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है. तो R जो है 10 पुट कर दिया, रिलेटिव परमिटिविटी 100 है, रूट के अंदर है, तो ये भी 10 हो जाएगा, 10/10 इज 1 मीटर. ठीक है, और सपोज़ मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज दो पेंडुलम हैं, उनके बीच में कुछ चार्ज है Q एंड Q, तो वो कुछ एंगल बनाएंगे, है ना, वर्टिकल के साथ. सपोज उनको हमने वाटर में या दूसरे लिक्विड में डाल दिया, क्या वो एंगल चेंज होगा, वेदर इट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज. तो आंसर ये है कि तीनों केस पॉसिबल है. क्यों, वाई, बिकॉज ये फोर्स तो कम हो जाएगा ये मीडियम में, बट लेकिन अभी क्या, उसके ऊपर बायंड फोर्स भी लगने लगा, आप थ्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, बायंड फोर्स, तो ये भी वेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कम हो रहा है, दोनों ही कम हो रहे हैं. तो हो सकता है कि एंगल चेंज ना हो, कम हो जाए या बढ़ भी जाए, है ना. तो एक बार क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, है ना. तो इक्वेशन जब बनाएंगे, फोर्स की इक्वेशन हम लोगों ने बनाई हुई इधर, टेन थीटा बाद एफ ई अपॉन एम जी कुछ आया था ऊपर, तो थीटा वन इज़ इक्वल टू थीटा टू लेके, और इलेक्ट्रिकल फोर्स में जो चेंजेस होंगे वो वैल्यू पुट करेंगे, और वेट एम जी में माइनस बायंड फोर्स हो जाएगा. तो दोनों को सॉल्व करके देख के आंसर निकाल सकते हैं ये, है ना. तो दिस वाज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी होमवर्क क्या है, असाइनमेंट में से क्या क्वेश्चन था. तो दिस वाज द असाइनमेंट, ठीक है. तो इसमें से हमने सिक्स क्वेश्चन जो था वो यू आर टू रीड द नोट, सेवन्थ आल्सो. एंड ये क्वेश्चन था कि भाई चार्ज का रेशो 1:10 है, तो फोर्स का रेशो क्या होगा, ऑलरेडी डिस्कस किए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, 1:1 आएगा, बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर.
चार्ज के रेशियो पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में दोनों चार्ज आते हैं Q1 एंड Q2, इंडिविजुअल नहीं आता। तो फोर्सेस जो है का रेशो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, रेशो 1:-1 या 1:1 भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग 1:-1 भी हो सकता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग मॉड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन 1 मीटर अपार्ट। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये फार्मूला लगा दिया हमने, है ना। चार्ज का जो है दोनों का जो है मॉड रहेगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, है ना, ये मॉड है तो माइनस हट गया, तो इतना फोर्स लगेगा कैलकुलेट करने के बाद, और अट्रैक्टिव रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो डायरेक्ट अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर इफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 80। जस्ट नाउ वी आर सॉल्व देयर, है ना, सेम वैल्यूज सेम आंसर। एंड इसका सेकेंड पार्ट भी है, डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ कूलम फोर्सेज। तो कल जो हमने डिवाइड किया था कि भाई ये ऐसे आया था एप्सिलॉन आर जो है एफ इन वैक्यूम अपॉन एफ इन मीडियम, तो इससे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेज इन द अदर मीडियम कीपिंग द डिस्टेंस सेम। तो जो रेशियो आएगा फोर्स का उतनी ही व्हाट इज कॉल्ड परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, है ना। वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम रहता है, तो ऑफ कोर्स द वैल्यू मोर देन वन आएगी हमेशा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी हम वेक्टर फॉर्म में हमें देखना है कूलम्स लॉ एंड देन वी सी द फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए थोड़ा वेक्टर का रिवीजन करते हैं, लेट मी रिवाइज यू द अबाउट द यूनिट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड वी सी। तो देखो, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस आर आई कैप जे कैप के कैप, है ना। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बताता है बस, है ना। अभी हम देखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका, है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1। आगे लिखते हैं यूनिट वेक्टर, अभी हमने यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, है ना। सपोज मैं आई कैप का मॉड पूछूं तो 1 आएगा, है ना, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है। जे कैप का भी मॉड 1 आएगा, के कैप का भी मॉड 1 आएगा, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस आई कैप जे कैप के कैप, नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप हो जाएगी। के कैप किसकी होगी, जेड एक्सिस की, ठीक है। और सपोज पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3। तो करना क्या है, पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट्स है सीक्वेंस में उसके साथ पहले कोऑर्डिनेट्स के साथ आई कैप लगाना है, दूसरे के साथ जे कैप, तीसरे के साथ तो 1 आई कैप, सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 जे कैप, थर्ड कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 के कैप, है ना। माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा आगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना, इस मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्योंकि ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं राइट एंगल पे हैं, तो इसीलिए ऐसा आता है, फर्स्ट आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर जे कैप का कोएफिशिएंट प्लस उसका स्क्वायर प्लस के कैप का, है ना। इवन माइनस भी है तभी भी स्क्वायर होने का प्लस हो जाएगा, तो हमेशा मैग्नीट्यूड में रूट के अंदर तीनों टर्म्स प्लस ही आएंगे और स्क्वायर आएंगे, है ना। जैसे हम इसको फार्मूले में कैसे बोलते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ऑफ a1 square प्लस रूट ऑफ a1 square प्लस a2 square प्लस a3 square, a1 a2 a3 आर कोफिशेंट ऑफ आई जे के, कभी कभी ax ay az भी लिखते हैं, है ना, तो वो कोफिशेंट ऑफ आई जे के होते, तो उनके जो कोफिशेंट हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो रूट के अंदर, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले ये, है ना। तो इस केस में कितना आ रहा है, ये स्क्वायर कर दिया तो 10+4 14 आ गया रूट के अंदर, है ना। तो अभी इस अभी हमें यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, ये जो वेक्टर मिल गया है हमें, कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का सिंबल ऐसा कैप होता है, आर कैप है ना, ए कैप, आर कैप, बी कैप, ऐसा। तो यूनिट वेक्टर इज़ अ रेशियो ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने ये निकाला था कोऑर्डिनेट से, वो मैग्नीट्यूड ये। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, अभी तुम बोलोगे ये यूनिट वेक्टर कैसे हुआ, यूनिट वेक्टर है तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो ये वाले फार्मूले से, है ना। तो इसको ऐसे कर लो, ब्रेक करके लिख लो, आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/√14 आई कैप, और जे का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2/√14 जे कैप, और प्लस के का 3/√14 के कैप। इनका इस फार्मूले से ये वाले फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, 1 ही आएगा, ठीक है, √14/√14 1 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 1। निकालते कैसे, पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशियंट ऑफ आई जे के स्क्वायर करके ऐड कर दो रूट के अंदर, है ना, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम के साथ मैच करते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, दो साइड्स होती हैं, तो √a² + b² इसमें क्या 3 डायमेंशन है, है ना, तो उसका थर्ड डायमेंशन का भी, थर्ड साइड का भी स्क्वायर होकर रूट के अंदर ऐड हो जाता है। तो दैट इज नथिंग बट ए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर के बारे में। और वेक्टर एडिशन, सपोज दो वेक्टर है, ये ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है, है ना, पैरेललोग्राम लॉ से या ट्राइंगल लॉ से, फार्मूला एक ही होता है। तो ये उसका आर इज द नेट, है ना, आर को क्या बोलेंगे, नेट आर रिजल्टेंट, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ टू, है ना। तो नेट दो ये दो वेक्टर फोर्स भी हो सकते हैं, फील्ड भी हो सकते हैं। अभी हम फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स में यूज़ करेंगे, फील्ड है तो फील्ड के लिए यूज़ करेंगे। तो इनका क्या होता है, सिंपल एडिशन नहीं होता है, ये ए प्लस बी नहीं, ये जो होता है आर को ऐसे लिखते हैं, तो ये जो है सिंपल एडिशन नहीं है, इसमें एंगल भी होता है। जब मॉड लिखते हैं तो ये मॉड का फार्मूला है, ये है ना ऐसा, तो इसमें √a² + b² + 2ab cos θ, है ना, इसके अंदर ऑलरेडी cos θ भी हिडन है, तो ये इसका फार्मूला है ये आर, दोनों सेम है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इसके एंगल डिपेंडेंट होता है ना, तो क्या आएगा, √a² + b² + 2ab cos θ, है ना। सपोज मैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर ए को हमने 10 लिया, बी भी 10 लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल से हम कम अक्रॉस होते हैं, तो हमें रिजल्ट भी तुरंत याद हो जाना चाहिए। ए बी है, सपोज ए जो है पहला फोर्स है किसी पार्टिकल के ऊपर, है ना, 10 न्यूटन का है, बी भी 10 न्यूटन का है, तो नेट फोर्स निकालना है फॉर एंगल 0, 60, 90, 120 एंड 80। ये एंगल बार बार आते हैं तो हम इसको एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू लर्न कर लेते हैं। तो थीटा जब 0 है, देन कॉस 0 1 होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 10² + 10² + 2। ये देखो ये हमेशा मॉड होते हैं, यहाँ ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, पता है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी पॉजिटिव ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये mod of 10, अभी तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब निगेटिव है तभी भी हमें प्लस पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब cos 0 1 हो गया, तो ये तुम्हारा √100 + 100, और ये तुम्हारा 200, तो √400 जिसका जो है रूट से बाहर आएगा 20 हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकल के ऊपर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, है ना, ऐसा कर सकते हैं 10 + 10, केवल इसी केस में, क्योंकि ये रूट के अंदर वो √a + b आ जाता है, थीटा जब 0 पुट करेंगे ना तो √a + b का होल स्क्वायर आ जाता है, तो a + b लिखते हैं, तो सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा 0 पे तुम्हारा आ गया ये 20, और थीटा अगर 60 डिग्री है उनके बीच में एंगल, तो cos 60 जो है 1/2 होता है, तो इसमें फिर से वापस ये वैल्यू सब पुट कर देंगे इसमें, तो सॉल्व होने के बाद 10√3, 90 है तो 10√2 आएगा, ये वाला टर्म पूरा cos वाला तो 0 ही हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो 120 पे cos 120 -1/2 होता है, तो एक टर्म ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो √10 बचेगा, तो बाहर 10² बचेगा, बाहर 10, और 180 है तो 0। तो यहाँ से देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ा, रिजल्टेंट कम होता गया, नेट फोर्स या नेट फील्ड कम होती चली गई। जब 0 है तो दोनों सिंपली ऐड होकर 20 आ गए, है ना। जब 60 डिग्री हो गया तो √3 × 1 फोर्स या 1 वेक्टर, है ना। तो ये 10, जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के जो है
फोर्सेस होंगे और 60 डिग्री है तो जो भी है फोर्स एफ एफ तो एफ रूट थ्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 है तो 10 रूट थ्री, 90 डिग्री पे 10 रूट टू लिख सकते हैं, 120 भी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है जब दो वेक्टर जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल 120 है। सपोज ये है एक वेक्टर और एक ये वेक्टर है तो इनका जो है कैसे पैरेललोग्राम ला से जब हम डायग्राम से भी देखेंगे तभी भी सेम आएगा। सपोज ये 10 है ये 10 है तो रिजल्टेंट भी 10 आएगा। ट्रायंगल ला से ऐसे आता है, ट्रायंगल ला अगर तुम्हें याद होगा उसमें हेड एंड टेल ज्वाइन करते ऐसे तो ये रिजल्टेंट आता है उसमें भी 120। यहाँ से एंगल लेते, एंगल कैसे लेते हैं दोनों की वेक्टर की टेल टेल ज्वाइन करके है ना, एंगल को शिफ्ट कर सकते हैं दोनों की टेल ज्वाइन करके और उनके बीच का छोटा एंगल देखो या हेड भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। तो 120 पे अगर फोर्सेस या कुछ भी वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है और 180 पे ऑफकोर्स जीरो आएगा है ना। तो वेक्टर्स को हम लोग एंगल के साथ एंगल पे डिपेंड करते हैं उनका एडिशन है ना, ये नहीं कि सिंपली सपोज मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा फोर्स जो है तुम्हारा फ्रेंड दो फ्रेंड है तुम्हारे हाथ को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 1000 न्यूटन से खींच रहे हैं तो फोर्स कितना होगा 2000 नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, एक इधर से खींच रहा है एक दूसरी तरफ से खींच रहा है तो वहीं खड़े रह जाओगे ना, और एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तब तुम्हारे पर फोर्स 2000 हो जाएगा है ना। और 60 डिग्री पे तुम्हें खींच रहे हैं रोप बांध के सपोज है ना तो 1000√3 हो जाएगा, 90 डिग्री पे खींच रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर फोर्स 60 डिग्री पे 1000√3 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो 60 डिग्री पे √3 आ रहा है, 90 पे √2, 120 पे खींच रहे हैं तब तुम्हारे ऊपर 1000 न्यूटन लगा रहे हैं 120 पे है ना, तो नेट फोर्स भी 1000T आएगा और बीच में तुम चलोगे तुम्हें खींच रहे हैं 120 पे नेट फोर्स बीच में आएगा अगर इक्वल वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो तुम दोनों एंगल्स के बीच में दोनों फोर्स के बीच में चल पड़ोगे नेट फोर्स उधर ही होगा, अपोजिट खींच रहे हैं तो जीरो होगा। तो ये टर्म्स जो हमें बार बार लगने वाले हैं तो बेटर यू रिमेंबर इट, इसको अच्छे से बाय हार्ट करो टेबल बना के ये पर्टिकुलरली 120 वाला और 60 वाला और 90 वाला है ना, बाकी बचे क्या जीरो पे तो सिंपली ऐड करो 180 पे माइनस कर दो है ना, अनइक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल हैं तो जीरो पे तभी भी सिंपली ऐड हो जाएंगे और 180 पे डिफरेंस आ जाएगा और बाकी तुम निकाल लो फार्मूले की वैल्यू पुट करके। एंगल कुछ और भी हो सकता है ना, 45 डिग्री भी हो सकता है 30 डिग्री भी हो सकता है तो उसकी वैल्यूज तुम्हें कॉस के टर्म में, इसका रिजल्टेंट साइन नहीं है इसमें कॉस है और टू भी है यहाँ पे टू भी छूट जाता है देखो ये टू छूटता है कॉस थीटा भी तो लोग सिंपली ए प्लस बी कर देते हो। तो ये पक्का याद रखो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमें ऐसा ही यूज़ करना है ठीक है, जितनी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तब सिंपल एलजेब्रिक एडिशन हो जाता है ठीक है। चले फिर आगे पढ़े वेक्टर फॉर्म में है ना, तो लेट्स सी नाउ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना, तो एनसीईआरटी बुक में दिया है ये वेक्टर फॉर्म में। तो जो अभी हमने डिस्कस किया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है ना। चलो अभी देखते आगे, तो वेक्टर फॉर्म में सपोज यहाँ पे हमने चार्ज Q1 एक रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ पे रखा है Q2 उसका पोजीशन R2 है, तो ये R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला जो वेक्टर है तो ये ट्राइंगल लॉ से दिस माइनस दिस R2 माइनस R1 होता है। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, फॉरवर्ड ऑर्डर के वेक्टर को ऐड करो, ये फॉरवर्ड ऑर्डर में ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर में, तो थर्ड वेक्टर टेकन इन अपोजिट साइड जो है उसका रिजल्टेंट देगा है ना। तो ये क्या होगा R2 विल बी R1 प्लस R21, तो R1 को इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा ठीक है। ऐसे देखो ट्राइंगल लॉ से हम क्या करेंगे, ये R1 ये वाला वेक्टर ऊपर वाला है ना और ये वाला R21 इज इक्वल टू R2, बट हमें चाहिए क्या R21 चाहिए, तो R21 इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो वही लिखा है मैंने इधर है ना, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो R21 जो इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो R21 इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर है ना, डायरेक्शन बताएगा बस मैग्नीट्यूड 1, तो
देन फोर्स ऑन क्यू टू बाई क्यू वन, ये वाला फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू बाई क्यू वन इज गिवन बाई के क्यू वन क्यू टू, यहाँ से हमने मॉड हटा लिया अभी देखो, और डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो उसका यूनिट वेक्टर आर टू वन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वही अभी हमने सीखा था मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड निकाल लो और स्क्वायर कर दो उसका, ठीक है। तो ये वेक्टर, तो इसमें हमने मॉड इसका मॉड हटा लिया और यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस थी इनफैक्ट, डायरेक्शन ये बता रहा, तो ये मॉड हट गया है, तो इसलिए अभी प्रॉपर साइन यूज़ करेंगे, क्यू वन एंड क्यू टू विल बी पुट विद द प्रॉपर साइन, है ना, एंड ठीक है विद द प्रॉपर साइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया पॉइंट, ओके फुल स्टॉप लगा देते हैं, और अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग फुल। नाउ सिमिलरली अभी ये निकालना है, सिमिलरली फोर्स ऑन क्यू वन बाई क्यू टू, ये जो है क्यू टू क्यू वन पे कितना फोर्स लगाएगा, तो किस पे लगा रहा है, वन पर, तो वन सिंबल पहले लिख लिया, कौन लगा रहा है टू क्यू टू, तो क्यू तो एफ वन टू इज़ अ फोर्स ऑन वन बाई टू, तो इसमें फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ये जो इधर भी जैसे सीक्वेंस टू वन था तो ये भी टू वन, ये भी टू वन, यहाँ पे वन टू है तो ये भी वन टू, ये भी वन टू, तो डिस्टेंस तो वही रहने वाली है, वन टू में वो पलट जाएगा ये वेक्टर, फिर से हम उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, अगर टू वन की डायरेक्शन इधर है तो वन टू की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो दोनों ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, यूनिट वेक्टर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स की फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, माइनस आ गया, है ना। तो फोर्सेज ऑन ईच चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, तो तुम्हें दोनों सॉल्व नहीं करने पड़ते, न्यूमेरिकल में केवल ये निकाल लो उसके साइन अपोजिट कर दो तो ये आ जाता है ना। वेक्टर नेगेटिव वेक्टर में क्या करते हैं, जो पहला वेक्टर होता है उसके साइन चेंज कर दो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो और माइनस वाले को प्लस, एंड वाइस वर्सा, तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है ना। तो उसके एक न्यूमेरिकल है पीछे, है ना, जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में अवॉइड करते हैं वो न्यूमेरिकल वेक्टर फॉर्म में, ओनली वेक्टर फॉर्म में थ्योरी पार्ट है, ठीक है, फिर भी हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, रिविजन हो जाएगा। नाउ फोर्सेज बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, है ना, अगर सपोज दो चार्जेस है तो ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जो है F इज इक्वल टू वो जो फार्मूला हमने सीखा था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मॉड में रखना है ना, वेक्टर में जब यूज़ करेंगे तभी वेक्टर से बाहर निकलना, बट वेक्टर के वेक्टर में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करते पूरी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक में विदाउट वेक्टर से करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर किया और आगे भी करेंगे, एक ही क्वेश्चन वेक्टर में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। नाउ दो चार्जेस है, सपोज ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q0, Q0 के ऊपर आपस में उनका फोर्स वही लगेगा, है ना, या फिर इनके बीच में एक फोर्स लगेगा कूलम्ब लॉ से, है ना, इसके ऊपर निकालना तो इसका ही फोर्स केवल लेंगे, इसका नहीं लेंगे, और इनके बीच में लगेगा F2, ये वाला इसके ऊपर भी लगाएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो केवल इसकी बात हो रही है नेट फोर्स कितना, तो ये इधर लगाएगा, सेंट्रल फोर्स होते हैं ना अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, नेगेटिव है तो इस तरफ आ जाएगा, दोनों पास्टे में तो रेडियली अभी होगा, ये इधर लगाए, तो ये दो वेक्टर मिल गए, ये ए है ये बी है, तो इनका अभी जो फार्मूला थोड़ी देर पहले हमने सीखा था वो लगाओ, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते, बट ये तुम्हारा मॉड हो गया ना, ये हमने एरो हटा लिया यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड ये हटा दिया, यहाँ पे नहीं है, है ना, तो मैग्नीट्यूड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू दिस, है ना, ठीक है। तो केवल मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, कितने एंगल पे होगा, एंगल का अलग से फार्मूला, ये जो रिजल्टेंट है अगर दोनों इक्वल होते हो तो बाइसेक्टिंग एंगल पे होता है रिजल्टेंट, अगर इक्वल नहीं है दोनों फोर्सेस दोनों, है ना, तो फिर वो एंगल रहता है टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ ये जो इनके बीच में जो रिजल्टेंट आएगा ऐसा, है ना, यहाँ कहीं पे आएगा तो वो एंगल अल्फा रहता है, ठीक है, क्लियर। तो वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो ये फार्मूला वेरी यूजफुल फॉर ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज़, जहाँ भी आगे हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी सब जगह हमें ये यूज़ करके हमें निकालने हैं वैल्यूज़,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इक्वल वैल्यू ओके अन इक्वल वैल्यूज के साथ है ये, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन ये है कि किसी चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ वन 3 न्यूटन, एफ टू 4 न्यूटन, है ना। डायरेक्ट दे दिए, हो सकता तुम्हें कैलकुलेट भी कराए कूलम लॉ से, फिर तुम्हें रिजल्टेंट निकले। तो फिलहाल हमने डायरेक्ट लिया सीखने के लिए, तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इफ़ थीटा इज 60, है ना। पहले 60 पे लग रहे हैं, बाद में एंगल चेंज हुआ, चार्जेस की पोजीशन चेंज करेंगे तो एंगल भी चेंज, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो वैसे तो, ठीक है। तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2। सॉल्व कर लो, ये 3² + 4² + 2 3 × 4 × 1/2 √37 न्यूटन और 90 डिग्री, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। √3² + 4² तुम्हारा 9 + 16 25 आ जाएगा रूट के अंदर, 5 हो जाएगा रूट से बाहर, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एंगल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई, तो उस पर तो अभी इक्वल मैग्नीट्यूड है, इधर 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, थीटा हम एक एक करके चेंज कर रहे हैं, पहले जीरो रखा तो जीरो पर हमने क्या सीखा था, सिंपली ऐड हो जाते है ना, 5 + 5 10 हो जाएंगे, है ना। और 60 पर क्या आया था, √3 times ऑफ वो आया था ना, तो दोनों इक्वल हैं, 10√3 वहाँ पर 10 था, तो यहाँ पे 5 है, 5√3 आ जाएगा। इसी फार्मूले से करना है तुम्हें प्रैक्टिस, क्रॉस चेक करना है। 90 पे ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो 5√2 न्यूटन आ जाएगा, है ना। 120 पे मैंने बताया सेम, अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका भी रिजल्टेंट भी सेम आता है, देखो 5 आ गया, है ना। ये इंटरेस्टिंग है, ये अभी आगे भी हमें काम आने वाला है, अपोजिट में ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वैसे तो अभी मैं जितनी हिंट दी उससे तुम निकाल ही सकते हो, फिर भी अगर सॉल्व करके देखना है डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो ये वाला चार्ज जो है लेफ्ट वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, दोनों फोर्स निकाल के इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आज ट्राई करो, फिर कल हम डिस्कस करते हैं, इसको मार्क कर देते, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा, और तीनों सिमेट्रिक हैं, तो 360 डिग्री एंगल डिवाइड होके 120 120 120, ठीक है। तो ऐसे आएगा, एक फोर्स तो तुम्हारा आ रहा है ऊपर की तरफ, नहीं ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं आ रहा है, ये वाला इधर लगाएगा, एक तो ऐसे आ रहा है, देखो ठीक, और एक फोर्स आ रहा है इधर, एक नीचे लगाएगा वो, तीनों ठीक है। तो ये अभी 120 है, सभी 120 है, तो इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालें, देखो मैंने बताया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो होता है ना बाइसेक्ट, अगर इक्वल होते हैं तो बाइसेक्टिंग आता है ऐसे, तो अभी ये दोनों और ये भी इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो नेट फोर्स विल बी ज़ीरो इस चार्ज के ऊपर, एफ नेट विल बी जीरो, इन दोनों को हटा लो, इसका रिजल्टेंट ऐसे ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, या फिर ऐसे बोलो 3 3 120 120 पे ईच वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है ना। तो एक हमने यहाँ पे लिया, क्लोजिंग ट्रायंगल बन जाते, है ना। एक फिर इधर आएगा, अब तुम बोलोगे एंगल क्यों चेंज कर रहे हैं सर, उसी पोजिशन में लेके देख लो ना, चलो उसी पोजिशन में देख लो, एक तो इधर आ रही है, ये तो दिख ही रहा हमें ये वाला, है ना, शिफ्ट कर सकते हो उनको हम, और ये वर्टिकली नीचे आ रहा है ऐसे, और ये ऐसे एंगल पे जा रहा है। तो जब क्लोज बन जाता है, पॉलीगॉन लॉ से भी बोलो, है ना, अगर हमने प्रॉपर एंगल पे बना दिए उनके, देखो ये ऐसे था, तो ये इसको आगे शिफ्ट करके टेल एंड टेल एंगल लेते 120, इसको आगे शिफ्ट करके टेल एंड टेल से एंगल लेते 120, इसको आगे शिफ्ट करके, इसको आगे शिफ्ट करके 120, तो
जो क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन जाता है, मतलब क्लोज बन जाता है तो क्लोजिंग साइड तो जीरो हो गई। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, इफ वी व्हाट इज कॉल्ड व्हाट पॉलीगन लॉ जो है, क्लोजिंग साइड गिव द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द ट्राइंगल्स ऑल द आई मीन ऑल द वेक्टर्स इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बची नहीं जगह, जैसे पॉलीगन लॉ किया जाए ऐसे अरेंज कर लो उनको एंगल्स पे, तो बस इतने हैं। तो ये बच गया गैप, तो ये क्लोजिंग साइड तुम्हें आर देता है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ पे सपोज हमने इसको ए लिया और ये बी लिया और ये सी, क्लोजिंग साइड हो गई, बचा ही नहीं कुछ भी उसमें, गैप बचा ही नहीं, तो इसलिए ज़ीरो है ना। या इससे इन दोनों का निकाल के 120 से, तो एनी वे यू डू इट आंसर इज ज़ीरो है ना। इसमें देखते हैं, इसमें जो है ओके थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है यहीं पे मैं नीचे बना रहा हूँ डायग्राम। तो देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू एट सी, सी ऊपर है देखो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, यू ऑल्सो ट्राई, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर ए वाला जो चार्ज है क्यू, सी वाले चार्ज को इधर पुश करेगा, ठीक है, और ये माइनस क्यू है तो ये नीचे खींचेगा इधर। डिस्टेंसेस सेम है ना, तो ये सी है, तो फोर्स ऑन सी बाई ए, तो एफ सी ए कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना, वही के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड निकालने हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। ये वाला चार्ज जो है बी वाला है ना, इसको नीचे खींच रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है बिकॉज कंडीशन तो वही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन सी बाई बी, तो एफ सी बी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये ऊपर भी 60, ठीक है, नीचे भी 60, तो 120 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो पूरा जो है हॉरिजॉन्टल से देखो, तो ये तुम्हारा क्यू है यहाँ पर, तो ये टोटल एंगल 60 प्लस 60 120। तो ये जो फोर्स होता है एफ नेट, इसको थोड़ी देर के लिए एफ वन मान लो, इसको एफ टू मान लो, दोनों इक्वल में मैग्नीट्यूड में इक्वल ही है, तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो थीटा जब 120 है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और एफ वन इज इक्वल टू एफ टू है मैग्नीट्यूड में, तो कितना आएगा, रू इक्वल ही आएगा ना, इट विल बी इक्वल टू एफ वन और एफ टू है ना, विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एफ नेट इतना आ जाएगा, के की वैल्यू पुट कर दो, के कितना होता है, के कितना होता है, 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेक्टर लॉग से करना है हमें, और तुम्हें नहीं समझ में आते ये पॉइंट तो पूरी पूरी वैल्यूज पुट करो, अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये एज इट पुट कर दो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर ये दो बार 2 × this 1 × this 1 × cos 120 कितना आता है, अभी हमने डिस्कस किया, -1/2, तो दो टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, एक ही टर्म बचेगा ये वाला, बस एफ वन वाला है ना, ये एफ टू वाला, गॉट इट। तो ये तुम शॉर्टकट सीख लो इसको फटाफट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर सपोज ये इसको प्लस होता तो फिर ये इधर फोर्स लगाता है, तो एंगल 60 होता दोनों के बीच में, 60 में रूट थ्री टाइम्स आता है, तो ऐसे रूट थ्री भी आ जाता है, इसमें होमवर्क में शायद है वो क्वेश्चन, ठीक है।
तो फील्ड पढ़ने से पहले अभी होमवर्क देख लेते हैं, देन फील्ड वी कैन डू इट टुमारो. ओके लेट्स सी व्हाट इज देयर इन होमवर्क. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इफ थर्ड चार्ज क्यू थ्री इज प्लेस. तो यहाँ पे क्यू थ्री प्लेस कर दिया, ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, तो इनके बीच का ही फोर्स का पूछा है. ये नहीं पूछा है कि नेट फोर्स क्यू वन पे कितना हो जाएगा क्यू टू पे. ये जो फार्मूले अभी हमने जो क्वेश्चन किए, नेट फोर्स निकाला एक पर्टिकुलर चार्ज पे, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए वही कूलम्स ला. तो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स दिस मच, है ना. तो इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है. फोर्स को हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये फोर्स है. तो थर्ड चार्ज, थर्ड अनचार्ज स्पीयर सी इज टच्ड विद ए को टच किया, देन फिर एंड देन प्लेस एट मिड पॉइंट, है ना, बी मिड पॉइंट पे रख दिया फिर उसको, है ना. तो हमने वो सीखा था ना कि चार्जेस को जो हम टच करते हैं तो चार्ज आइडेंटिकल में आधा आधा, टोटल चार्ज का आधा आधा होता है, तो वही पॉइंट यूज है, देखो, ठीक है. तो वो पॉइंट यूज़ करके अभी मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. तो इसको जब टच करेंगे, है ना, सी वाला, तो वो अनचार्ज था, अनचार्ज के ऊपर जीरो है, तो Q प्लस जीरो बाई टू, तो Q बाई टू आधा आधा जाएगा, तो इसके ऊपर Q बाई टू हो जाएगा और C के ऊपर पहले अनचार्ज था उसके ऊपर भी Q बाई टू, है ना. तो अभी इसका वो वेक्टर लॉस है, ये वाला जो चार्ज है इसको इधर फोर्स करे पुश करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करेगा. जिस पे हमें फोर्स निकालना है उसी चार्ज को टारगेट करेंगे, सबको नहीं. ऑफकोर्स ये वाला चार्ज इसको इधर पुश कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको इधर पुश कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं. हमें क्या निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी. तो इसके हम देखेंगे कितने फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाते यहाँ पे, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया. हो सकता है ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, तो एक इधर लगाएगा और राइट वाला इधर लगाएगा, है ना. पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा इधर इसको. ये फोर्स ऑन सी बाई ए है और ये जो ये वाला फोर्स है ये वाला, तो सी के ऊपर बी लगा रहा है ना. तो दोनों के मैग्नीट्यूड इसका इसके मैग्नीट्यूड में देखो डिफरेंस है, क्यू वन ये है, क्यू टू ये है. डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बाई टू हो जाएगी, जितनी आर है ना, तो ये अभी इन दोनों के बीच में है तो डिस्टेंस आर बाई टू, इन दोनों के बीच के लिए भी आर बाई टू लिखना पड़ेगा, है ना. तो वो ये सब पॉइंट ध्यान रख के वेक्टर लॉस से उसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे, कल देखेंगे कितना आंसर आ रहा है. ये देखो ये वेक्टर फॉर्म में हमने देखो क्यू वन क्यू टू दे दिए, एक प्लस है एक माइनस है, कोऑर्डिनेट्स दे दिए दोनों के. तो कोऑर्डिनेट्स दिए तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, आई कैप जे कैप लगा के यहाँ पे देखो इसमें आर वन आर टू बना लिया, फिर उनको सब्ट्रैक्शन करेंगे आर टू, तो हमें आर टू वन मिल जाएगा, ये इतना मिल जाएगा. फिर हमें उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेंगे, इसके कोएफिशिएंट वन एंड वन है, ठीक है. ठीक है, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, तुम पहले आंसर निकालने की कोशिश करो इस फार्मूले के लिए क्या निकाला. क्यू वन क्यू टू दिए, माइनस है तो माइनस पुट करना पड़ेगा, ये आर टू वन निकालना है और फिर इसका उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है. तो दिस इज़ मोर और लेस तुम्हारा इलेवेंथ की प्रैक्टिस है, इसीलिए बोर्ड में जनरली अवॉइड करते हैं ये. फिर भी एटलीस्ट डू वन क्वेश्चन टुमारो, आई विल शो यू द एक्सप्लेनेशन, है ना, देन यू कैन चेक इट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो ये क्वेश्चन देखो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिए, है ना. थ्री चार्जेस क्यू ई चार कैप्ट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल लेटरल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल ईच एज शोन, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी. ये वाला इस पे थोड़े देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इधर लगाएगा फोर्स और ये नी ए वाला इधर पुश करेगा उसको, बी वाला इधर पुश करेगा, 60 डिग्री एंगल आएगा ये. तो फार्मूला लिख लो, दोनों सेम है और सॉल्व करके देखो. अभी मैंने क्ल्यू भी दिया था और इसका सेकंड पार्ट भी है क्या, रिपीट इफ चार्ज एट क्यू
चार्ज क्यू एट ए इज़ रिप्लेस बाई माइनस क्यू, इसको माइनस कर दिया तो अभी इसको इधर नीचे खींचेगा, ये अभी भी इधर लगाएगा, तो अभी एंगल चेंज हो जाएंगे 120। तो 120 के लिए वेक्टर वाला फार्मूला, वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अ चार्ज क्यू ये बीच में इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट एज शोन, शो दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू की वैल्यू इतनी है। सिस्टम ऑफ चार्जेस सभी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, मतलब इनको छोड़ भी देंगे ना, इनको छोड़ भी देंगे तभी भी वो रुके रहेंगे वहाँ पर, दे विल नॉट गो एनीवेयर इफ यू प्रॉपरली सेट दम एट दिस वे, तो नन ऑफ चार्ज विल मूव, अगर उनको डिस्टर्ब किया तो फिर वो इधर उधर हो जाएंगे, उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डिस्टर्ब करने से वापस अपनी जगह ना आए तो दे विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस फिर से अपनी जगह आ जाते हैं तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। तो वो हमें नहीं चेक करना है फिलहाल, तो हमें ये निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो कि सभी इक्विलिब्रियम में रहे। अगर केवल इसकी इक्विलिब्रियम की बात होगी तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 कूलम पुट करो, ये वाला इधर पुश करेगा, ये वाला इधर पुश करेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, 2 कूलम पुट करो फिर ये इधर बड़े ज़्यादा फोर्स से पुश करेगा, दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट, 3 कूलम पुट करो और ज़्यादा फोर्स आएगा फिर, बट इनकी इक्विलिब्रियम भी है, इनके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे ही ले लिया ये, मतलब इसको हमने ये वाले फोर्स की इक्वेशन लिखी इसके ऊपर और ये वाले फोर्स की इक्वेशन, है ना। पहले हमने अज्यूम कर लिया दोनों चलो पॉजिटिव हैं, तो वेक्टर लॉ से, मतलब हमने वेक्टर लॉ नहीं, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें ये पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, है ना। तो दोनों फोर्सेस लिख दिए हमने और इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, सॉल्व करके देखा तो ये माइनस आ रहा है ना, तो माइनस मतलब ये माइनस होगा, तो ये माइनस है तो इसको इधर खींचेगा और ये प्लस है तो इधर तो ये इसका डिस्टेंस कम है, ये आर बाई टू लेंगे तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी कम आया, ये वाला बड़ा चार्ज है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये जो पास में है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तभी दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा के इसको इक्विलिब्रियम रखेंगे, ऐसे ये भी इक्विलिब्रियम है, ये तो किसी भी चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम रहेगा, इधर दोनों अपोजिट फोर्सेज आएंगे तो ठीक है। तो ये क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर, ठीक है। तो ये डिस्कस कर दिया मैंने, है ना। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, चार्ज एट सेंटर विल बी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, जो मैंने तुम्हें बताया, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट बी, नेट फोर्स ऑन इट शुड बी जीरो, है ना। फोर्स ऑन बी बाई ए प्लस फोर्स ऑन बी बाई सी, दोनों फोर्स लगाएंगे इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करके, है ना। या फिर अगर हमें तुम लोग सर मैग्नीट्यूड, है ना तो अगर ये वापस अभी तुम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, अभी डायरेक्शन तुम्हें पता लग गई, माइनस वाला इधर खींचेगा तो नेट फोर्स जीरो ही आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। एक पॉइंट में तुम्हें और ध्यान से, एक वेक्टर के बारे में एक पॉइंट और बताऊँ कि भाई वेक्टर को हम लोग नेगेटिव चार्ज को मॉड में क्यों लिखते हैं, बिकॉज उसकी डायरेक्शन अलग से दिखाते हैं हम लोग, है ना। अगर तुमने मॉड में नहीं लिखा तो माइनस उसका भी रहेगा, डायरेक्शन का भी रहेगा, तो वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देगा वो, इसीलिए जब डायरेक्शन दिखाते हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज को मॉड में लेते हैं, है ना। तो माइनस का क्या है, वो अपना अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो वेक्टर से दिखाते हैं, है ना, इसलिए मॉड में रख के डायरेक्शन अलग, मॉड में नहीं रखा, माइनस भी लिखा डायरेक्शन भी लिखी, तो डबल वो हो जाएगा उसका इफेक्ट, तो रॉन्ग आंसर आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो वील कंटिन्यू टुमारो।